दी मेहुवाला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के तत्वाधान में गांव मेहुवाला में वीटा बीएमसी का हुआ शुभारंभ। दी मेहुवाला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के तत्वाधान में गांव मेहुवाला में मंगलवार को वीटा बीएमसी का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा सरकार से HDDCF चेयरमैन रणधीर सिंह ने भाग लिया। वशिष्ठ अतिथि नरेंद्र सिंह CEO जींद शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जींद ने की, जिन्होंने उपस्थित जन को संबोधित करते हुए कहा कि गांव मेहुवाला में दुग्ध उत्पादक के तौर पर पशुपालकों को सीधा लाभ देने को लेकर वीटा की बीएमसी प्लांट का यह संचालन शुरू हुआ है, जिसमें पशुपालक द्वारा लाए दूध के जहां भाव अच्छे दिए जाएंगे, वहीं पशुपालक को हर संभव योजनाओं का पूरा लाभ मिले, इसको लेकर इन्हें सीधा फायदा देने की योजनाओं की पूरी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यहां दूध लेकर आने वाले हर पशुपालक के दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड होते हैं, जिससे पशुपालक को दूध के रेट के अलावा प्रति लीटर ₹5 बोनस भी दिया जाता है। उन्होंने वीटा बीएमसी प्लांट में लाए जाने वाले दूध की गुणवत्ता और इसके महत्व पर प्रकाश डाला। मेहुवाला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सचिव जगदीश फागोड़िया ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह देकर धन्यवाद किया। इस अवसर पर अनेक लोग मौजूद रहे। गांव मेहुवाला में आज हम एक दूध की डेयरी जो है यहाँ लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर आप ऊपर दिखाई दे रहा होगा वीटा बीएमसी की इकाई स्थापित की गई है। दुग्ध उत्पादन को लेकर पशुपालकों को फायदा पहुंचाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को इसको भरपूर फायदा मिले, इसको लेकर यहाँ वीटा की बीएमसी स्थापित की गई है और इसका अभी उद्घाटन भी हुआ है। तो इस बारे में जानकारी लेते हैं, यहाँ के संचालक हैं जगदीश फागोड़िया जी, तो आप बताइए जी। मेरा नाम जी जगदीश फागोड़िया है, मेरा गांव मेवाड़ा है। कल बीएमसी की ओपनिंग हुई है, तो इसके अंदर जो वीटा के अंदर जो भी स्कीमें दे रखी है उसको पशुपालकों को काफी फायदा होगा। जैसे ₹5 पर लीटर के हिसाब से जो दूध की सिस्टम से दिया जा रहा है उसके तहत अच्छा दाम मिलेगा, अच्छी क्वालिटी होगी पशुपालकों के लिए। और भी जो भी बीमा है, जैसे कन्या राशि है, इस प्रकार से जो वीटा दे रही है उसके लिए वो सारी रेगुलर ग्राहक होंगे, वो अपना फायदा ले सकेंगे। इन्होंने बताया कि बीमा जैसी स्कीम भी वीटा द्वारा दी जाती है, आज तक शायद किसी को पता होगा, लेकिन यहाँ जो भी किसानों को या पशुपालकों को जो स्कीमें मिलती हैं सरकार द्वारा या वीटा एजेंसी द्वारा, वह भी पूरा का पूरा फायदा सीधा पशुपालक को मिलेगा। इन्होंने बताया कि ₹5 लीटर के हिसाब से कैसे, वो कैसे पूरा विस्तार से बताएं। जो जैसे ₹5 पर लीटर के हिसाब से ये बोनस बोलते हैं, जिनको बोनस दिया जाता है, जैसे कोई रेट होता है उसके प्लस में ₹5 कन्वर्ट किया जाता है। जैसे 100 लीटर दूध है उसको ₹500 एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ताकि वो ग्राहक का उसकी तरफ से ध्यान हो और वो अपना दूध सही रेट से बेच सकें, इसीलिए सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए ये ₹5 एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो ये दूध जो लिया जाता है किसानों को, इसका जो रेट दिया जाता है ये फैट के आधार पर दिया जाता होगा? नहीं, ये पर केजी के हिसाब से दिया जाता है, जितना वजन होता है उतना ₹5 दिया जाता है। और फैट का जो भी रेट होता है, जैसे बी का अलग रेट होता है, सी का अलग होता है। जैसे बी का मतलब बफेलो भैंस का रेट और सी का मतलब काऊ का रेट, ये दोनों का अलग अलग रेट होता है। और जो कंपनी रेट दे रही है उससे ₹5 प्लस देके जो भी ग्राहक है उनको अच्छा फायदा होता है। तो यहाँ किसान जो अपना पशुओं का दूध लेकर आता है, तो उसको कम से कम और अधिक से अधिक कितना तक रेट मिल सकते हैं? जैसे हमारे ग्राहक हैं, कई ग्राहकों की अच्छी फेंट आती है, 130-135 फेंट आ जाती है। हमारे लगभग 3-4 ग्राहक हैं, उनका लगभग 91 के रेट लग जाता है। देखिए, अगर फैट दूध का अच्छा होगा तो उसके रेट भी खूब है। अभी बता रहे थे कि ₹130 तक का भी रेट लग जाता है पर केजी का, तो इससे ज्यादा और मुनाफा नहीं कमाया जा सकता। आपके गांव में मेहुवाला में यह इकाई स्थापित की हुई है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने को लेकर यह एक अच्छी व्यवस्था यहाँ हुई है, तो इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। हम इस वक्त जगदीश जी से पूरी जानकारी भी लेंगे। वीटा बीएमसी में यहाँ किसानों द्वारा पशुपालकों द्वारा दूध लाने के बाद इसका कैसे स्टोरेज किया जाता है, यहाँ क्या क्या प्रक्रिया चलती है, तो जी आप हमें पूरी जानकारी दीजिए, यहाँ क्या क्या होता है? हाँ, जानकारी के लिए जैसे पहले दूध लिया जाता है उसको ये जो टैंक बोलते हैं, जब टैंक के अंदर दूध डाल दिया जाता है, सबसे पहले इसमें डालते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और इससे
आगे मोटर के जरिए देखिए यहाँ पूरा अंदर बकायदा छलनी लगी हुई है, इसमें दूध डालकर इसको बिल्कुल छान कर बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर किया जाता है। इसके बाद ये जो बीएमसी है ये दूध को चिलिंग कर देती है, जैसे 4 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, उसके बाद में आगे गाड़ी को दूध उठा दिया जाता है। टेम्परेचर के अनुसार दूध को रखना होता है, तो ये दिखाइए इसमें कैसे क्या होता है। अब ये चिलिंग कर रही है, पूरा भरा हुआ है कंटेनर जिसको बोलते हैं बीएमसी, इसको इन्होंने नाम रखा हुआ है इस मशीन का, तो इसमें पूरा भरा हुआ है, इसमें टेम्परेचर के अनुसार दूध को रखा जाता है जी। लगभग अब हमारे पास में 8 से 9 हजार लीटर दूध की क्षमता है, और उसको सही ढंग से सुरक्षित रूप से हम दूध पहुंचा रहे हैं, और हर प्रकार से हमें जो दूध दे रहा है उनकी बढ़िया सेवा से। कितनी बड़ी इकाई है, 8 से 8 से कितना बताया आपने, 7 से 8 हजार लीटर तक स्टोरेज की क्षमता यहाँ आपके गांव मेहवाला में दूध के लिए है। और ये इनका जो प्रतिदिन कितना, प्रतिदिन भी हम ले रहे हैं दूध, 7 से 8 हजार लीटर दूध दे रहे हैं। जो हमारे पास में बीएमसी है, बीएमसी की क्षमता 2500 लीटर दूध की है, 2000 लीटर दूध की क्षमता है, लेकिन 2200-2300 लीटर ये कर देती है, लेकिन और भी हम एक्स्ट्रा चिलिंग कर देते हैं दूध, जिसकी क्षमता लगभग 3 या 4 डिग्री टेम्परेचर पे हो जाती है। कितनी अच्छी जानकारी आपको दी, तो आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। तो हम थे जगदीश जी के साथ, धन्यवाद। भट्टू कलां उप तहसील पर किसान सभा का 9वें दिन धरना समाप्त, अब 3 सितंबर से उपायुक्त कार्यालय पर देंगे धरना। अखिल भारतीय किसान सभा का उप तहसील भट्टू कलां कार्यालय पर जारी धरना 9वें दिन मंगलवार को नायब तहसीलदार बलराम जाखड़ को ज्ञापन सौंपते हुए संपन्न हुआ। वहीं किसान सभा ने फैसला लिया कि 3 सितंबर से धरना जिला उपायुक्त कार्यालय पर जारी किया जाएगा। मंगलवार को धरने की अध्यक्षता वजीर सिंह ने की तथा संचालन रोहतास डूडी ने किया। मुख्य वक्ता के तौर पर मास्टर हनुमान सिंह व विष्णुदत्त शर्मा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भट्टू इलाके के नरमा, कपास, मूँगफली, ग्वार, गेहूँ की फसलें लगातार 3 वर्ष से कभी सूखा, कभी सफ़ेद मक्खी और अब लगातार 2 वर्षों से बरसाती पानी से व सेम की वजह से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इलाके में लगभग सभी प्रकार की फसलें जल भराव से ख़त्म हो चुकी हैं। इसके मुआवजे व स्पेशल गिरदावरी की मांग को लेकर लगातार किसान सभा की ओर से धरना दिया जा रहा है। किसान लगातार प्रशासन से मांग करते हुए सफ़ेद मक्खी से 2020 में जो कपास की फसल का खराब हो चुकी थी, सरकार ने स्पेशल गिरदावरी के आदेश भी दिए थे और मुआवजा स्वीकार भी कर लिया गया था, इसका मुआवजा अब तक न मिलने के चलते उन्होंने मांग की कि यह मुआवजा तुरंत किसानों के खातों में डाला जाए, पानी निकासी का स्थायी समाधान हो, स्पेशल गिरदावरी के आदेश तुरंत दिए जाएं, बरसात से जल भराव से ढानियों में, गाँव में, बस्तियों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, जहाँ मच्छर अधिक पैदा हो गए हैं, यहाँ तुरंत दवाई का छिड़काव किया जाए। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो 3 सितंबर को जिला उपायुक्त कार्यालय पर भट्टू इलाका व जिले के सभी कपास प्रभावित इलाके के किसान धरना प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर विजय सिंह जाखड़, सूरजमल, प्रेम शर्मा, भरत सिंह सिद्धू, राजकरण बिश्नोई, भाल सिंह सिहाग, मुकेश रामस्वरूप, जगदीश शर्मा, मनोहर लाल, रघुवीर डूडी, मांगेराम, छोटू जांगू, बनवारी लाल, बिल्लू साई, दिनेश सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आर्यभट्ट नर्सिंग कॉलेज मानावाली में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, अव्वल रहे विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। आर्यभट्ट नर्सिंग कॉलेज मानावाली में मंगलवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हरियाणा नर्सिस व नर्स मिडवाइफ काउंसिल द्वारा घोषित परिणाम में गाँव मानावाली स्थित आर्यभट्ट नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कॉलेज का नाम रोशन किया। फतेहाबाद जिले के इस कॉलेज से छात्र छात्राओं की इस उपलब्धि से कॉलेज में खुशी का माहौल है। इसी खुशी में मंगलवार को कॉलेज परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर युवा समाज सेवी आनंदवीर सिंह गिल्ला खेड़ा, सेवानिवृत्त IPS दलवीर भारती, प्रधान रवि कड़वासरा, कॉलेज के डायरेक्टर जगदीश बेनीवाल व संरक्षक जयवीर लाठर ने भाग लिया और इन छात्राओं को बधाई देते हुए इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस बारे जानकारी देते हुए
रवि कड़वासरा ने बताया कि कॉलेज की छात्रा ज्योति पुत्री प्रेमचंद ने जीएनएम फाइनल में पूरे प्रदेश में जहां पहला स्थान हासिल कर इतिहास रचा, वहीं सुचित्ता पुत्री राम निवास ने जीएनएम प्रथम वर्ष में जिले में प्रथम स्थान हासिल किया। इसके अलावा जीएनएम द्वितीय वर्ष में कमल पुत्री गुलशन, एएनएम प्रथम वर्ष में सुनीता पुत्री राम प्रताप, एएनएम द्वितीय वर्ष में शैलजा पुत्री सतवीर, एमपीएचडब्ल्यू प्रथम वर्ष में अभिषेक पुत्र सुनील व एमपीएचडब्ल्यू द्वितीय वर्ष में बुद्धराम पुत्र रिचपाल क्लास टॉपर रहे। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए आनंदवीर गिल्ला खेड़ा ने विद्यार्थियों को इसी तरह मेहनत करते हुए बेहतर प्रदर्शन करने की कामना की। उन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन को सर्वोच्च बताया और कहा कि नर्सिंग क्षेत्र में देश सेवा का एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में नर्सिंग स्टाफ ने कड़ी मेहनत की, इन्हीं की कड़ी मेहनत की बदौलत हम इस महामारी पर काबू पाने में कामयाब रहे। दलवीर भारती ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आज अधिकांश देशों में प्रशिक्षित नर्सों की कमी देखने को मिल रही है। अपने देश भारत की भी यही स्थिति है। यहाँ आबादी के हिसाब से जितनी नर्सें होनी चाहिए, वास्तविक संख्या उससे बहुत कम है। ऐसे में इस प्रोफेशन में आकर छात्राएं अपना भविष्य उज्जवल बना सकती हैं। कॉलेज के डायरेक्टर जगदीश बेनीवाल ने इस शानदार परिणाम को गौरवान्वित पल बताते हुए छात्राओं, उनके माता पिता व स्टाफ सदस्यों को बधाई दी। कॉलेज प्राचार्य शीतल पांचाल ने प्रथम स्थान हासिल करने वाली छात्राओं का अभिनंदन करते हुए भविष्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर सिमरनजीत, अंजलि, शिमला, रेणु, अनिल, सुरेश सहित अन्य स्टाफ सदस्य भी मौजूद रहे। ताऊ देवलाल टाउन पार्क भट्टुकला में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने मनाया स्थापना दिवस। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने ताऊ देवलाल टाउन पार्क भट्टुकला में मंगलवार को अपना स्थापना दिवस मनाया। अध्यापकों को संबोधित करते हुए जिला सचिव देशराज माजरा, जिला कार्यकारिणी सदस्य कृष्णचंद्र जाखड़ ने कहा कि 30 अगस्त 1969 को आज के ही दिन हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का गठन हुआ। उन्होंने कहा कि उस समय भी हरियाणा में कैटेगरी वाद संगठनों की भीड़ थी, जबकि लड़ाई सांझी थी। अध्यापकों के साथ सरकार तनाशाही कर रही थी। ऐसे समय में एक सांझे संगठन की आवश्यकता थी, तो सभी अध्यापकों ने हरियाणा राज्य के अध्यापक संघ, जो अब हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, का गठन किया। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और अध्यापकों के लिए उनके हकों को हासिल किया। हर वर्ष वेतन वृद्धि, महिलाओं के लिए 6 महीने की मैटरनिटी लीव, LTC व अन्य सुविधाएं भी संघ ने अपने दम पर हासिल की। इस मौके पर पूर्व वरिष्ठ उप प्रधान तारावंती देवी, जयदेव भारद्वाज, लादू रंबाना, अशोक कुमार, सज्जन कुमार खत्री, सतवीर बेनीवाल, मांगेराम लोयल, मदन सिंह, सुरेंद्र बेनीवाल, कामरेड विष्णु सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे।